संस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। आजकल सभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो इस छुट्टी में हम क्यों ना इस संस्कार वर्ग का अच्छे से लाभ उठाएं। इस संस्कार वर्ग में हमारे मन पर अच्छे संस्कार हो, हम आदर्श बच्चे बने, इसके लिए रोज अलग अलग बातें बताई जाती है। तो आप अगर उस अनुसार आचरण करेंगे तो अवश्य ही हम आदर्श बच्चे बन पाएंगे। चलो फिर आज के हमारे संस्कार वर्ग को अभी आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह संस्कार वर्ग आरंभ करेंगे। अभी हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना, और आंखें बंद करके श्री गणेश जी का रूप अपने मन में हम लाएंगे और पूरी एकाग्रता से ये प्रार्थना हम कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, आज के इस वर्ग में जो भी सूत्र आप बताने वाले हो वो सारे हमें समझ में आने दो और उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति, भक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अभी हम श्री गणेश जी का श्लोक एकत्रित कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, गलत मार्ग पर चलने वाले दुर्जनों का विनाश करने वाले सर्वशक्तिमान, कोटि सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। चलो अब हम आगे की ओर जाते हैं। आप सभी बच्चे हर दिन बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में डाल के भेज रहे हो, वे सभी हमें प्राप्त भी हो रहे हैं। ये सारे अनुभव और हमें जो भी सीखने को मिल रहा है ना, ये केवल और केवल भगवान के कृपा से ही हो रहा है। तो आज भी हम ऐसे कुछ बच्चों के अनुभव अब पढ़ेंगे। सभी बच्चे इसे भी ध्यान से सुनना। इस संस्कार वर्ग के कारण बहुत से बच्चों ने ऐसे भी लिखा है कि उन्हें बहुत सीखने को मिल रहा है, उनके मन पर अच्छे संस्कार हो रहे हैं। ऐसे ही हमें पहला जो अनुभव या फिर प्रतिक्रिया लिखी है उसका नाम है वे हलनरकर। वो लिखता है कि वो अपनी माँ को घर के काम में मदद करता है, जैसे कपड़े धोना। वो प्रतिदिन नोटबुक में 10 पन्ने नामजप भी लिखता है। कितनी अच्छी बात है ये, सभी बच्चे इसका अनुकरण भी कर सकते हैं और नामजप लिखने का प्रयास भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रणव तागड़े ने लिखा है कि
उसको नाम जप करना बहुत अच्छा लगता है। उसने अपने मित्रों को भी बाल संस्कार वर्ग में जुड़ने के लिए बताया है और वे भी इस संस्कार वर्ग से जुड़ गए हैं। गायत्री पावस्कर ने लिखा है कि वो प्रतिदिन बाल संस्कार वर्ग देखती है और नाम जप भी करती है। अभी वो मारुति स्तोत्र कंठस्थ कर रही है तथा प्रतिदिन रामायण भी देखती है। अनुजा गायकवाड़ ने लिखा है कि नाम जप करते समय उसको सुनहरा रंग दिखा और श्री गणेश जी के दर्शन भी हुए। इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है वो है श्री निधि मुंडला। उसने लिखा है कि उसे नामस्मरण करने से बहुत अच्छा लगता है। वो प्रतिदिन रामरक्षा स्तोत्र तथा हनुमान चालीसा पढ़ती है तथा प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार भी करती है। संस्कृति शेंदुरवाड़कर, इसने लिखा है कि उसे वर्ग में बताई गई सारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे बच्चों की प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हुई है। माता पिता अभी अच्छे से अपनी बच्चे की नाम भी अनुभव के सामने लिख रहे हैं। तो हमें ऐसे ही करना है, जब हम हमारे अनुभूति प्रतिक्रिया लिखेंगे तो उसके सामने बच्चे का नाम लिखेंगे और उसके साथ ही अपने अन्य मित्रों को भी आप इस संस्कार वर्ग के बारे में बताना और आपका संपर्क क्रमांक भी हमें अवश्य देना ताकि हम भी आपको संपर्क कर सके। बाल मित्रों, कल के हमारे बाल संस्कार वर्ग में हमने क्या देखा था वो आपको याद है ना? हमने कल श्री गणेश जी के मारक रूप के बारे में कथा देखी थी और उसके बाद आदर्श कृति में हमने स्वावलंबन का महत्व भी जान के लिया था। तो सभी बच्चों ने उसके अनुसार कृति करने को आरंभ किया है ना? चलो फिर अब आज की कथा कौन सी होगी ऐसे आप सोचते होंगे। तो आज की कथा त्रेता युग की है, यानी प्रभु श्री राम जी के काल की है। उस समय में श्रमणा नाम की एक भिलनी थी। वो जन्म से ही प्रभु श्री राम की परम भक्त थी। वो प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना, उसका नाम जप, ये सारा बहुत ही मन लगा के करती थी। उसका जन्म भील जाति में हुआ था। बाद में इस श्रमणा को ही शबरी इस नाम से जाना गया। तो आज हम उसी शबरी माता की कहानी सुनने वाले हैं। तो ये छोटी शबरी थी ना, वो ऐसे ही प्रभु श्रीराम की भक्ति करते करते बड़ी हो गई। बड़ी हो जाने के बाद उसके माता पिताजी ने उसका विवाह निश्चित कर दिया। तो भील जाति में एक प्रथा थी, जब बाराती विवाह के लिए आएंगे तो उनका स्वागत मांस परोसकर करते हैं और हर विवाह में वे ऐसा ही करते थे। जब शबरी का विवाह निश्चित हुआ तो उस समय भी सभी बारातियों का स्वागत करने के लिए कई बकरियों को लाया गया और उनको मारकर उनको फिर भोजन में परोसने वाले थे। ये बात जब शबरी को पता चली ना तो उसे वो अच्छा नहीं लगा। वो अपनी माता के पास गई और कहने लगी, माता हम इतने सारे निर्दोष बकरियों की हत्या क्यों करने वाले हैं? ये अच्छी बात नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माता ने उसकी सभी बातें सुनी, परंतु माता ने कहा, शबरी तुम जो कह रही हो वो ठीक है, परंतु हमारी भील जाति का ये नियम है और ये नियम हम नहीं तोड़ सकते। हमें इसी प्रकार सब कुछ करना पड़ेगा। माँ का ये उत्तर सुनके शबरी बहुत ही दुखी हो गई। उसे लगा
मैं तो बचपन से भगवान का नाम जपते आ रही हूँ और मेरे ही विवाह में ये सारी हत्याएं होंगी, ये मैं कैसे सहूंगी। फिर उसने निश्चय किया, किसी न किसी प्रकार मुझे ये रोकना ही होगा। फिर उसने क्या सोचा पता है? उसने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं घर से ही कहीं तो दूर चली जाती हूँ, उसके कारण मेरा विवाह नहीं होगा और विवाह नहीं होगा तो इन सारे मासूम बकरियों के प्राण भी बच जाएंगे। ऐसे करने का उसने निश्चय किया। बाद में रात हो गई और रात में किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप शबरी घर से निकल पड़ी और जंगल की ओर गई। धीरे धीरे वो जंगल में बहुत आगे गई। रात को कोई तो जगह आश्रय के लिए वो ढूंढ रही थी। चलते चलते अचानक से उसे मतंग ऋषि का आश्रम दिखा। वो आश्रम देख वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। शबरी उस आश्रम में गई। उसने मतंग ऋषि को प्रार्थना की। शबरी के आग्रह के कारण फिर मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में आश्रय दिया। शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में आनंद से रहने लगी। वहां पे वो पूरा मन लगाकर सेवा करती थी। उसका ये सेवा भाव, उसका आचरण, व्यवहार, कुशलता, ये सब देखकर पूरे आश्रमवासी उसके ऊपर बहुत ही खुश थे। वो आश्रम में सबकी लाडली बन गई थी। मतंग ऋषि को भी ये सब ध्यान में आ रहा था। शबरी का सेवा भाव देखकर उन्होंने उसे शिष्य बना दिया। उन्होंने उसे बहुत सारा ज्ञान भी दिया। शबरी मतंग ऋषि की सेवा भी बहुत मनोभाव से करती थी। उसके कारण मतंग ऋषि शबरी पर बहुत प्रसन्न थे। ऐसे ही कुछ समय गया और फिर कुछ दिनों बाद मतंग ऋषि ने अपने प्राणों का त्याग किया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका अंतकाल समीप आया था तब वहां पे शबरी भी उनके पास थी। उनके अंतकाल में वे शबरी से बोले, शबरी प्रभु श्रीराम की भक्ति करते रहना, उनकी प्रतीक्षा करना, एक दिन प्रभु श्रीराम स्वयं इस कुटिया में आएंगे, तुम उनका नाम जप, उनकी भक्ति नहीं छोड़ना, वो एक दिन अवश्य आएंगे, तुम सिर्फ उनकी प्रतीक्षा करते रहना, ऐसे मतंग ऋषि ने बोला और फिर उन्होंने अपने प्राण छोड़े। शबरी गुरु भक्त थी। अपने गुरु ने जो बताया है कि प्रभु श्रीराम अवश्य आएंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, ये बात उसके मन में थी। इसके कारण वो प्रतिदिन प्रभु श्रीराम की राह देखती थी। ऐसे बहुत सा समय बीता। उसका दिनक्रम क्या था पता है? वो हर दिन सुबह उठती थी, अपनी कुटिया और आने जाने का मार्ग वो पूरा वो हर दिन साफ करती थी। उसके बाद कुटी के सामने जो रास्ता है वो सारा रास्ता वो फूलों से सजाती, सारे फूल वो रास्ते पर बिछा देती थी और फिर टकटकी लगाते प्रभु श्रीराम की प्रतीक्षा देखती रहती थी। यही उसका हर दिन का काम रहता था। ऐसे बहुत ही साल गए। प्रभु श्रीराम जी अभी तक तो आए नहीं थे, परंतु शबरी माँ हर दिन उसी भाव भक्ति से, उसी प्रेम से और उसी आर्तता से प्रभु श्रीराम की राह देखती थी। ऐसे करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, परंतु फिर भी उसने श्रीराम की भक्ति नहीं छोड़ी, क्योंकि
अपने गुरु के वाक्यों पर उसकी पूरी श्रद्धा थी। प्रभु श्री राम जब मेरी कुटिया में आएंगे तो उनके पैरों को कहीं कोई काटा न चुभ जाए, इस हेतु से वो हर दिन कुटे के सामने फूल बिछाती थी। परंतु एक दिन प्रतीक्षा की यह घड़ी समाप्त हुई। प्रभु श्रीराम लक्ष्मण सहित माता सीता के खोज में उस आश्रम में पहुंचे। प्रभु श्रीराम स्वयं अपने कुटी में आए हैं ये देखकर शबरी माता ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनका वो मनोहारी रूप देखकर वो भाव विभोर हो गई। शबरी माता के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ देर ऐसा ही गया। भगवंत और भक्त के बीच में वो एक बहुत ही अच्छा संवाद था। उसके बाद शबरी माता ने उन दोनों को अपने कुटिया में लाया, उनका बहुत अच्छे से आदरातिथ्य किया। फिर उसने जंगल में जाकर प्रभु श्री राम जी के लिए कंदमूल और फल भी लाए। उन फलों में जंगली बेर भी थे। शबरी माता ने वो कंदमूल तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को दिए, परंतु बेर देने का साहस वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कहीं कुछ बेर खट्टे निकले तो मेरे प्रभु को खट्टे बेर में कैसे खिलाऊं। उसका मन बहुत ही स्वच्छ था। फिर उसने क्या किया पता है? तो वो एक एक बेर को चखकर वो अगर अच्छा हो मीठा हो तो फिर वो प्रभु को खाने के लिए दे रही थी। शबरी माता का ये जो सरल स्वभाव था उससे प्रभु श्री राम भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने भक्त के द्वारा दिए गए वो झूठे बेर बहुत ही आनंद से ग्रहण किए और वहां पे ही शबरी माता का उद्धार हो गया। तो बच्चों, ये जो कहानी हमने देखी तो वो आपने मन लगा के सुनी ना। इस एक ही कहानी से और माता शबरी से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे हमें बचपन से ही भगवान की भक्ति करने को आरंभ करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे आनंद के लिए या फिर भोजन के लिए हमें प्राणियों को मारना नहीं चाहिए। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे गुरु हमें जो भी बताए उस पर दृढ़ विश्वास हमें रखना चाहिए। शबरी माता को जब गुरुदेव ने बताया था कि प्रभु श्री राम आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो इस बात पर शबरी की बहुत ही दृढ़ श्रद्धा थी। उसके मन में कभी संदेह नहीं आया, प्रभु श्री राम सच में आएंगे ना, वो नहीं आए तो क्या होगा, ऐसा एक बार भी उसके मन में नहीं आया। इसे कहते हैं दृढ़ श्रद्धा। उसने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की राह देखने में, उनकी प्रतीक्षा करने में ही गवाया और उसके कारण ही अंत में प्रभु श्री राम जी आए और उन्होंने शबरी माता का उद्धार किया। हमारी साधना पर, भगवान पर कैसी निष्ठा होनी चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, यही हमें इस कहानी से सीखना है। बच्चों, इस कथा के बाद हम आज और एक कथा सुनने वाले हैं। यह कथा भी एक बहुत ही सरल स्वभाव के भक्त की है। ये पुराने समय की बात है। धर्मदास जी नाम के एक महंत थे और उनका एक शिष्य था, उसका नाम था गरीबदास। ये गरीबदास श्री कृष्ण का परम भक्त था और भगवान श्री कृष्ण भी उसके भक्ति पर बहुत ही प्रसन्न थे। वो हर दिन जंगल में गायों को चराने के लिए ले जाता था
और वहां पे प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण जी उसे मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण गरीब दास के साथ भोजन भी करते थे। गरीब दास हर दिन उसका आधा भोजन भगवान को देते थे। एक दिन ऐसे ही वो भोजन करते थे, फिर अचानक से भगवान श्री कृष्ण उसे बोले, गरीब दास कल तुम थोड़ा अधिक भोजन लाना, क्योंकि कल मेरी परम भक्त राधा भी आने वाली है, और परसों भी थोड़ा अधिक ही भोजन लाना, क्योंकि मेरी जो पत्नियां हैं रुक्मिणी और सत्यभामा, ये दोनों भी मेरे साथ भोजन के लिए आने वाली है। गरीब दास बोले ठीक है। फिर वो अपने आश्रम में गए। ये सारी बातें गरीबदास अपने गुरु को हमेशा बताते थे। वैसे ही उसने बताया कि मुझे दो दिन थोड़ा अधिक भोजन चाहिए। फिर धर्मदास जी ने उसे अधिक भोजन दिया, वो लेके आया। फिर राधा जी, रुक्मिणी माता, सत्यभामा ऐसे दो दिन अधिक भोजन देने के बाद वो सारे मिलके भोजन करते थे। परंतु तीसरे दिन फिर से भगवान श्री कृष्ण बोले, गरीबदास तुम्हारे गुरु को बोलना कि कल फिर से थोड़ा ज्यादा भोजन देना, क्योंकि कल सुदामा और मेरे अन्य भक्त भोजन के लिए आने वाले हैं। गरीबदास बोला जी भगवान ठीक है। और फिर वो आश्रम में गया और अपने गुरु से ये सारी बातें कहकर उसने अधिक भोजन मांगा। धर्मदास जी ने उसे अधिक भोजन दिया, परंतु अब उनके मन में थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। प्रतिदिन ये अधिक भोजन मांग रहा है, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? तो फिर उन्होंने उसका पीछा करने का तय किया। जैसे ही गरीबदास भोजन लेके आगे बढ़ा, धर्मदास जी भी उसके पीछे पीछे गए और देखने लगे। तो क्या सच में उस दिन भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और अन्य कई भक्त थे और उनके साथ गरीबदास बैठ के भोजन कर रहा था? ये देखकर धर्मदास जी को थोड़ा आश्चर्य लगा, परंतु बाद में उनके समझ में आया। गरीबदास बहुत ही सरल स्वभाव का था, उसकी भगवान पर पूरी श्रद्धा थी, पूरी भक्ति थी, और उसके कारण वो स्वयं भगवान के साथ बैठकर भोजन करता था। परंतु इस बात का उसे बिल्कुल गर्व नहीं था। गरीबदास के ये सारे गुणों को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए, और इन सारे गुणों के कारण ही वो भगवान का प्रिय भक्त है, ये उनके ध्यान में आया। ये सब बातें जब उन्हें पता चली तो धर्मदास जी ने गरीबदास को अपना गुरु माना। ये कितनी बड़ी बात है ना। तो इस कथा से हमें यही सीखना है कि किसी भी छोटी व्यक्ति से हमें कुछ भी नई बातें सीखने को मिली, कुछ अच्छा लगे, तो उसका हमें आदर करना चाहिए, उसको हमें मानना चाहिए। सभी बच्चे ऐसे करेंगे ना। चलो अब आगे की ओर हम जाएंगे। अब इसके बाद हम नामस्मरण करते हैं ना। सभी बच्चों ने हाथ जोड़े क्या और आंखें बंद करेंगे? गणेश जी का रूप अपने आंखों के सामने लाकर पूरी एकाग्रता के साथ हम अब श्री गणेश जी का नामस्मरण करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम
गं गणपतये नमः। ॐ 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 गं गणपतये नमः। बच्चों, नामस्मरण करने से कितनी शांति अनुभव आती है। आप सभी बच्चे भी आपको नाम जप करने के बाद क्या लगता है ये अवश्य चैट बॉक्स में हमें लिखकर भेजें। चलो अब बाल संस्कार वर्ग में आगे का सत्र हम देखेंगे। अब आज की आदर्श कृति कौन सी होगी ये हम देखने वाले हैं। बाल मित्रों, आज की आदर्श कृति कौन सी होगी ऐसे आपको लग रहा होगा ना? तो आज हम देखने वाले हैं स्वच्छता का महत्व और हम किस तरीके से स्वच्छता कर सकते हैं। सभी को स्वच्छ जगह पर रहना ही अच्छा लगता है ना? जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर रहते हैं। ईश्वर भी अस्वच्छ जगह पे नहीं रहते। आप सबको भी ऐसे लगता है ना कि ईश्वर हमारे घर पर भी आए, तो उसके लिए हमें स्वयं को, अपने घर को और फिर क्या, अपनी पाठशाला, अपना परिसर, ये सारा हमें स्वच्छ रखना होगा, तभी ईश्वर हमारे घर में वास करेंगे। तो अब हम स्वच्छता के बारे में बहुत सी जानकारी देखने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान देके सुनेंगे। जो बड़े बच्चे हैं ना, जो लिख सकते हैं, तो वो लिख कर भी दे सकते हैं, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं ना। और ये सारी कृतियां हमें हमारे आचरण में लाने हैं, तो इसके लिए आप लिख कर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्वयं की स्वच्छता कैसे रखेंगे ये हम देखने वाले हैं। बच्चों, हम सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसे होता है ना, बहुत बार हम देर से उठते हैं तो जल्दी जल्दी में कैसे तो हमारे दांत हम मांझ लेते हैं और फिर वैसे ही हड़बड़ी में फिर स्नान करना, ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता होगा। परंतु स्वच्छता का पहला नियम यही है, हम हमारे दांत मांजते हैं या फिर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो ये सारी बातें हड़बड़ी से बिल्कुल नहीं करनी है। ये हमें शांतता से
और जिस प्रकार करना चाहिए उसी प्रकार से पूरा समय देके हमें ये करना है। इसके बाद बाल बनाने की कंघी रहती है, वो कंघी आपने कभी साफ की है तो उस कंघी को हमें साबुन के पानी में रखना है और फिर ब्रश से वो अच्छे से साफ करनी है। उसके बाद कुछ भी पदार्थ खाने से पहले या भोजन के पूर्व हमें अपने दोनों हाथ अच्छे तरीके से साफ करने हैं, पानी में धोने हैं। हम बाहर से या खेल कर आए तो उसके बाद अपने हाथ पैर मुख ये भी हम स्वच्छ करके ही बाद में घर में आएंगे। बाद में हम कपड़े पहनते हैं ना, तो सुबह अगर कपड़े पहनेंगे तो रात तक इतने गंदे कर देते हैं हम, ऐसे होता है ना। तो हम कपड़े पहनने के बाद वो भी कैसे स्वच्छ रहे इसका ध्यान रखेंगे। कपड़ों पर मिट्टी स्याही या फिर चित्रकला हम करते हैं तब रंग ये कपड़ों पर नहीं गिरेंगे, इसका हम ध्यान रखेंगे। और उसके साथ ही भोजन करते समय या भोजन परोसते समय वो भोजन भी हमारे कपड़ों पर ना गिरे, ये भी हम देखेंगे। और फिर रात को सोते समय पैर धोकर ही हम सोएंगे। अगर हमारे पैर गंदे हो तो उन्हें हमें अपने बिछौने पर या फिर गद्दे पर नहीं रखना चाहिए, वो अच्छे से धोकर फिर ही हम अंदर जाएंगे। सभी को ये सारी बातें समझ में आई? ये सब जो हमने देखा वो हो गई स्वयं की स्वच्छता। अब हम जिस कमरे में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ पे रहते हैं, तो उस कमरे की स्वच्छता भी हमें करनी चाहिए, है ना? तो वो अब हम देखने वाले हैं। जिस कमरे में हम रहते हैं उस कमरे में प्रतिदिन हमें झाड़ू लगाना है, और ये झाड़ू लगाने के पूर्व अगर छत पे या फिर कोनों में मकड़ी के कुछ जाले हमें दिखाई दे ना तो उन्हें पहले निकालना है और फिर बाद में झाड़ू लगाना है। ये झाड़ू लगाते समय हमें कमर से नीचे झुककर फिर झाड़ू लगाएंगे और वो भीतर से बाहर की ओर ऐसे झाड़ू लगाएंगे। इतने तक सबको समझ में आया? अब उसके बाद हम क्या करेंगे? तो हफ्ते में एक बार तो हमें कमरे की सारी जो खिड़कियां रहती है, दरवाजे हैं, फैन ट्यूबलाइट या फिर टेबल कुर्सी हो अलमारी हो, ये सारी चीजें हमें कपड़े से अच्छी तरीके से साफ करना है। झाड़ू लगाने के बाद हमें तुरंत पट्टिया यानी फर्श पर भी पानी से पोछा लगाना चाहिए। तो ये कृति करने से पूर्व हम जल देवता से प्रार्थना करेंगे। हे जल देवता, आपके इस स्वच्छ जल से इस भूमि पर आया हुआ कष्टदायक आवरण नष्ट कीजिए और ये कमरा चैतन्य से भर जाए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना कर फिर हम जिस कपड़े से फर्श पूछने वाले पहुंचने वाले प्रार्थना करने के बाद जिस कपड़े से हम फर्श पोछने वाले हैं वो हम अपने दाहिने हाथ में लेंगे और नीचे बैठकर, लेकिन नीचे बैठते समय अपने घुटने हमें नीचे नहीं टिकाने हैं, ऐसे हम बैठेंगे और फिर जैसे हमने झाड़ू लगाया ना उसी तरीके से अंदर से बाहर की ओर हम पोछा लगाएंगे। ये पोछा लगाते समय बीच बीच में हम कपड़े को अच्छे से निचोड़ लेंगे और अंत में वो कपड़ा स्वच्छ पानी में धोकर उसे सुखाएंगे। ऐसा करने के बाद ही हमारी वो परिपूर्ण सेवा हो जाएगी। उसके बाद जिस कमरे की हमने स्वच्छता की है वहां पे हम एक अगरबत्ती जलाएंगे
और वास्तु देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे वास्तु देवता, आपकी कृपा से इस वास्तु में सात्विकता बनी रहे, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बच्चों, अभी तक जो बातें बताई ना, ये आप घर पे करके देखेंगे ना, ये सुनकर भी कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जब हम प्रत्यक्ष कृति करेंगे ऐसे प्रार्थना करके और नाम जप करते करते, तो वास्तु में भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हमने कमरे की स्वच्छता की और हमारे घर में स्नान गृह और शौचालय भी होता है ना, तो उसकी भी स्वच्छता करनी चाहिए। तो उसके बारे में आप जान लेते हैं। शौचालय का उपयोग करने के बाद बहुत बार अपने पाँव के निशान वहां पर उमड़ जाते हैं, तो हमें तुरंत ही पानी डालकर वो स्वच्छ करने चाहिए। और स्नान गृह में स्नान करने के बाद या फिर कपड़े धोने के बाद स्नान गृह भी हमें झाड़ू से साफ करना चाहिए। उसके बाद स्नान गृह की जाली पर कुछ कचरा या फिर केश हो तो उसे रद्दी कागज के साथ हमें उठाकर कूड़ेदान में डालना चाहिए। शौचालय, स्नान गृह, इनकी हमें हर दिन साबुन के पानी से स्वच्छता करनी चाहिए, तभी वहां पर भी स्वच्छता बनी रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि स्नान के लिए और कपड़े धोने के लिए हम अलग अलग बाल्टियां उपयोग में लाएंगे। जिसमें हम कपड़े धोते हैं उसी बाल्टी में हमें स्नान के लिए पानी नहीं लेना है। ये सारी बातें स्नान गृह और शौचालय की स्वच्छता की हमने देखी। अब थोड़े अन्य सूत्र भी हम देखेंगे जिसके द्वारे हम स्वच्छता अपना सकते हैं। हम छोटे बच्चे हैं ना, तो कभी कभी हमारे से कुछ गलती भी हो जाती है। जैसे चॉकलेट खाया और उसके ऊपर का जो कागज रहता है वो हमने वहां पर ही फेंका, तो ऐसे अब हम नहीं करेंगे। चॉकलेट का कागज हो या फिर रबड़ रगड़ने के बाद रबड़ के कण रहते हैं, तो वो कण भी नीचे गिर जाते हैं, तो वो रबड़ के कण हो, पेंसिल शार्प करने के बाद उस लकड़ी का चूरा हो, फल के छिलके हो, या ऐसे कुछ भी जो कचरा हो ना, वो घर के कूड़ेदान में ही हमें डालना है, वो घर में इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकना है। उसके बाद हम अगर साइकिल चलाते हो तो वो साइकिल भी हमें प्रतिदिन कपड़े से साफ करनी चाहिए। हमारे घर में अगर बिना नल के टंकी हो और उसमें से हमें पानी पीना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम उसमें जो गिलास है वो उस टंकी में नहीं डालेंगे, उस समय पानी निकालने की घंटी का हम उपयोग करेंगे और फिर पानी बाहर निकालकर गिलास में लेके फिर पिएंगे। और उसके साथ ही जब भी हम पानी का गिलास पकड़ेंगे तो उंगलियां उस पानी के अंदर गिलास के अंदर हम नहीं डालेंगे, ये अच्छी आदत नहीं है। तो ये सारी बातें हमने देखी, वो स्वयं के बारे में, घर के बारे में, या फिर हम जो वस्तुएं उपयोग में लाते हैं उसके बारे में। परंतु हम बाहर भी जाते हैं ना, तो जब भी हम यात्रा के लिए बाहर जाते हैं तब भी हमें ऐसे ही चॉकलेट के कागज, प्लास्टिक की थैलियां या फिर फल के छिलके, ऐसी वस्तुएं रास्ते पर नहीं फेंकनी है। हमारे रस्तों पर भी सार्वजनिक कूड़ेदान रहते हैं, तो हमें ये सारा सार्वजनिक कूड़ेदान में ही डालना है। बच्चों, अभी हमने ये सारा बाहरी स्वच्छता के बारे में देखा, परंतु हमारा मन भी स्वच्छ होना चाहिए ना। तो ये कैसे होगा, ये भी थोड़े ही शब्दों में हम देखेंगे। जिसका मन शुद्ध, पवित्र ऐसे रहेगा तो उसे ही स्वच्छ मन ऐसे बोलते हैं। जिन व्यक्तियों का मन स्वच्छ रहता है ना, वो सभी को
और भगवान को भी अच्छे लगते हैं। परंतु ये मन कैसे स्वच्छ करेंगे? तो हमारे मन में जो स्वभाव दोष रहते हैं ना, उन्हें हमें हटाना होगा और हमारे मन में गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। और उसके लिए अगर हम भगवान का नाम जप करें ना, तभी हमारा मन स्वच्छ होगा। तो सभी बच्चों को स्वच्छता के बारे में सारे सूत्र समझ में आए ना? तो अब आज से ही आप इसके अनुसार आचरण कर सकते हो, स्वयं की, घर की और अपने आसपास के परिसर की, और उसके साथ ही अपने मन की भी स्वच्छता हमें करनी है। सभी बच्चे ऐसे करेंगे ना? चलो अब आगे की ओर जाते हैं। अब इसके बाद हम गणपति स्तोत्र सुनेंगे। जिन बच्चों के पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका है तो वो पास में लेकर बैठे और उसे देखकर ये स्तोत्र हमारे साथ कहेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर ये गणपति स्तोत्र कहेंगे। चलेगा ना? चलो फिर अब हम स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्तोत्र कहने पर मन में उत्साह आता है ना? तो ऐसे ही घर पर भी हमें ये स्तोत्र कहना चाहिए। पढ़ाई के पूर्व भी हम ये स्तोत्र कह सकते हैं। आज के इस पूरे संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा, सभी को याद है ना? पहले हमने वक्रतुंड महाकाय ये श्लोक सीखा और आज हमने दो सरल स्वभाव के भक्तों की कहानियां देखी, शबरी माता और दूसरे शिष्य गरीब दास। उसके बाद हमने आज आदर्श कृति में स्वच्छता हमें क्यों करनी चाहिए और कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने जान के लिया। और ये सारा ज्ञान हमें किसने दिया है? भगवान ने दिया है ना? तो अब हम उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आप ही की कृपा से आज इस संस्कार वर्ग में बहुत सी बातें हमें सीखने को मिली, इसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, इस संस्कार वर्ग के बारे में अपने अन्य मित्रों को भी जरूर बताना। उसके साथ ही ऑनलाइन स्क्रीन पर
जो तलपट्टी जा रही है वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक है, आप हमें भी अवश्य संपर्क करिए। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दें। बच्चों, कल एक नई कहानी और नई आदर्श कृति सीखने को आप सब आएंगे ना? चलो फिर, आज के संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।